आज तो इस अभागे करण का सौभाग्य है, हस्तनापुर की महारानी राजरानी पटरानी महारानी कुंती स्वयं चल के आई हैं। ये राधे आपको प्रणाम करता है, नमन करता है। प्रणाम दानवीर करण। महारानी कुंती, अगर कोई विशेष कार्य था तो आप तो यहां की महारानी हैं, आप मालिक हैं। इस दास को तो एक सेवक भेज के बुलवा लिया होता। मैं आज यहां आई हूं बहुत जरूरी काम से नहीं, बल्कि बहुत जरूरी बात बताने के लिए। एक ऐसी बात जिससे आज तक तुम बेखबर थे, एक ऐसा राज जो आज तक राज ही था, आज तक मेरे अलावा उस राज का किसी को नहीं पता। तो क्या आपको एक बात का ज्ञान नहीं है कि इस वक्त मैं आपके पुत्रों की जो विरोधी सेना है उसका प्रमुख सेनापति हूं? पता है मुझे। तो आप विरोधी को कुछ राज बताने आई हो? ये हाँ, समझ से परे बात। यह समय मुझे उचित लगा, इसीलिए मैं ये राज आज बताने के लिए आई हूं। तो बताइए महारानी, वो कौन सी ऐसी बात है जिसे तुम आज बताना चाहती हो? वो यही बात है कि जिसे तुम बार बार अपने मुख से महारानी कुंती कहते हो, वो महारानी कुंती होने के साथ साथ तुम्हारी सगी माँ भी है करण। तुम्हारे जीवन की यही सच्चाई है कि तुम क्षत्रिय पुत्र हो, तुम कौंतेय हो करण। महारानी कुंती, तुम मुझे अपना बेटा बता करके मेरी आदरणीय माँ राधे का अपमान ना करिए। नहीं, वो मेरे लिए बहुत सम्मान, वो तो मेरे लिए भी बहुत सम्मानित हैं, बहुत आदरणीय हैं, क्योंकि मैं जानती हूं कि जन्म देने वाली माँ से ऊंचा दर्जा पालने वाली माँ का होता है। तो फिर तुम किस आधार पर कह सकती हो कि तुम मेरी माँ हो? क्योंकि मैंने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रख के जन्म दिया है और मैं ही तेरी असली माँ हूँ। अगर आपने मुझे जन्म दिया है और मैं एक क्षत्रिय छत्रानी की कोख से जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ, तो क्या आपने मेरा पालन पोषण भी किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मजबूर थी। मेरी क्या क्या मजबूरियां थी वो सब भी मैं तुम्हें बताऊं? आप मुझसे क्या चाहती हो और क्यों मेरे पास आई हो वो बात बताइए। बताऊं? हाँ, सुनो करण। मैं सब तरिया लाचार हुई, जीरो वे जने क्या कह दे। और मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह माँ कह दे। मैं सब तरिया लाचार हुई, हो सब तरिया लाचार हुई, मेरा जीरो वे क्या कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह माँ कह दे। दोष लग्या है मेरे कर्म के बारे ते। मैं माता तू बेटा मेरा, क्या फायदा बा तू घाड़े ते। गुण गाही लिकड़ा करते हेरे दे गुलर कफारे ते। लाख छुपाओ ना छुपती रे, लाख छुपाओ ना छुपती जो दिल की बात निभा कह दे। मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कह माँ कह दे। मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कह माँ कह दे।
समझ नहीं पाया, भुनके ही लिकड़िया करते हृदय कूलर का फाड़े थे। हाँ ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं हो गया कि मैं आपका बेटा हूं। तो मैं और हूं तो कैसे हूं, साबित करके दिखाऊं? हाँ बताइए। तो सुन, आज मैं तुझे वो बात बता रही हूं जो आज से पहले मैंने किसी को नहीं बताई। तू कैसे मेरा बेटा है और कैसे मैं तेरी मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं तेरा ही पुत्र हूं या मेरा कोई पिता भी है। पिता भी है, लेकिन वो कैसे है वो भी मैं तुझे बताऊंगी। सुन, एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था, मंत्र पे विश्वास कराना सूरज पे अजमाया था, ना मिटे ऋषि के वचन करण मन न्यू क्वारी ने जाया था, ऐसे कर्म करण वाली को ऐसे कर्म करण वाली को जग में कौन भला कह दे, मेरा मन भर जाएगा माने करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे, मेरा मन भर जाएगा माने करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। हाँ करण, तुम्हारे महल में दुर्वासा ऋषि आए थे? हाँ, एक रोज हमारे महलों में दुर्वासा ऋषि आए थे, मैंने उनकी बहुत सेवा की। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक वशीकरण मंत्र दिया और ये कहा कि बेटी कुंती, इस मंत्र का जाप जिस देवता का नाम लेकर तुम जब भी करोगी वही प्रकट होंगे और तुम्हें एक बेटे का आशीर्वाद देकर के चले जाएंगे। हे करण, मैंने उस वशीकरण मंत्र पर यकीन नहीं किया, उसे आजमाने के लिए ग्वारी अवस्था में ही सूर्य देवता का नाम लेकर के जाप कर दिया। सूर्य देवता प्रकट हुए और बेटे का वरदान देके मुझे चले गए। मैं गर्भवती हो गई। जब मैंने तुझे जन्म दिया तब मेरी अवस्था ग्वारी की थी। अगर मैं तेरी इस बात पर भी यकीन कर लूं और मैं मान लूं कि मैं सूर्य पुत्र हूं, सूर्य देवता मेरे पिता हैं, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने मुझे जन्म दे दिया तो फिर आपने पाला पोषा तो मुझे नहीं? हाँ। बड़ा तो नहीं किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो अब सुन ले करण, क्यों नहीं किया सुन। भक्ति भाव भजन सेवा कर सब दुनिया तक खोदी फल का अख्तियार नहीं, जब बेल हाथ से बोदी में लोक लाज और भय के कारण गात रहा न सोदी में, करण सौंप के आई तुझे उस गंगा जी की गोदी में, ना आगे अपने जीवन का और नफा कह दे, मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे, मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे।
लोक लाज से, मैं बदनामी से डरती थी कि लोग क्या कहेंगे, क्या थूकेंगे कि कुंती पर क्वारी पर बेटा हुआ है। इसी बात के डर के कारण ना तो मैंने ये राज किसी को बताया, ना ही तुझे पाला पोषा, गंगा नदी की गोद में तुझे बिठा दिया। मुझे माफ कर दे करण, मुझे माँ कह के बोल। ऐसा तो संभव नहीं है, मेरी माँ राधे थी, राधे है और राधे ही रही है, ही रहेगी। पर आप अगर आई हो तो बस वो बता दीजिए कि मुझसे चाहती क्या हो। सुन ले करण, जिस माँ ने जन्म देने के बाद मुझे मारने के लिए छोड़ दिया हो, मैं मरूं जिंदा रहूं, आपको माँ कह। ऐसा नहीं है, मैंने जब से तुझे पैदा किया है, हर रोज हर पल हर दिन मैं तुझे खिलाने के लिए तड़पी हूं, तरसी हूं करण। ये माँ की गोदी हर दिन तेरे लिए रोई है, जब से तू पैदा हुआ है तू मेरी जिंदगी का बैराग बन गया है। सुन ले करण मेरी बात, माली बन के सींचा ना पर मेरा लगाया बाग है तू। इस कुंती के लिए जन्म से राग नहीं पैराग है तू। लड्डन सिंह दिया बता राज बले, मेरे कर्म का भाग है तू। मुझे माता कह के बोल लाडले, मेरे पेट की आग है तू। खाके मरू कटारी जो हटके, खाके मरू कटारी जो हटके, कुंती तेरी जो बा कह दे, मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे। कुंती ना कहे माँ कह दे, मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे। कुंती ना कहे माँ कह दे, मा कह दे।